मारूफ आलम दीन जनाब हिशाम अलाई ज़हीर साहब। हिशाम अलाई ज़हीर साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं किसके साथ सबसे ज़्यादा उसने सलूक करूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ के साथ। उसने दोबारा उसके यार सुनला मैं किसके साथ उसने सलूक करूँ? फरमाया फिर अपनी माँ के साथ। तीसरी बार फिर पूछा कि मैं किसके साथ उसने सलूक करूँ? तो आपने फरमाया तेरी माँ का हक है। यानी वालदा का एहतराम, वालदा का हक और बाप की नस्बत बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह भाई इस हदीस से इस बात का पता चलता है कि वालद का हक चौथे नंबर पर और वालदा के हकूक तीन है। गोया अगर एतात का अगर जज्बा है या एहतराम का जज्बा है या कहना मानने का जज्बा है उसके अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप में से माँ को फुकियत दी और दीगर अहादीस इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ये लेके आए हैं। अगर किसी बच्चे का बाप गुलाम हो यानी या कर्जे में जकड़ा हो और बच्चा उसका कर्जा अदा कर ले या अपने कंधे पे बिठा के उसको हज करवा दे तो बाप का हक किसी न किसी मानों में पूरा हो सकता है लेकिन माँ का हक पूरा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया और आके कहने लगा ए अल्लाह के रसूल इस्लाम में क्या चीजें हैं? रसूलुल्लाह ने कहा नमाज पढ़ा कर, रोजे रखा कर, जकात अदा करना। वो चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मेरी उम्मत सिर्फ ये तीन अमाल कर ले जन्नत में दाखिल हो जाएगी लेकिन एक शर्त साथ लगा दी, अगर अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करता हो। और ये जो कुरान पाक की शाह साहब ने आयतें पढ़ी हैं इसमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप के चले जाने के बाद दुआ का तरीका भी समझा दिया, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि वो माँ जो आपने दिबाचे और इंट्रो में कहा कि रात को उठती थी कि बच्चा नापाक तो नहीं हो गया और उसको तहारत के लिए कपड़े बदल बदल के देती थी, आज हमारे मुआशरे पर वो जबू हाली आ गई है कि हमने माँ बाप के लिए ओल्ड होम कायम करनी है। क्या हमारे लिए ये लाजम नहीं है कि जिस तरह बचपन में वो हमारी तहारत का ख्याल रखते थे हम उनकी तहारत का ख्याल रखें? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ज़हीरा हदीस में से एक हदीस बड़ी अजीब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबेईन को कभी भी सहाबा से ऊपर नहीं कहा लेकिन एक बात समझाने के लिए मुसलमान उम्मत को अजमत समझाने के लिए माँ की यह कहा उमर और अली करन कबीले का अवैस कभी आएगा तो उससे दुआ करवाना, अल्लाह के रसूल हम उससे दुआ कराएं जो हमारे बाद आएगा? जी हाँ, क्योंकि उसने अपने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथों को हाली नहीं लुटाता। गोया माँ की खिदमत करने से ये फजीलत मिलती है लेकिन ये बात नहीं है कि बाप का कोई मकाम नहीं, बाप भी जन्नत का एक दरवाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए और आके कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरा बाप मेरा माल जितना जी चाहता है निकाल लेता है, जितना जी चाहता है जेब में से ले लेता है, मुझसे पूछता ही नहीं। अब वो दीगर वायात के अल्फाज में बाद में ज़ौफ है लेकिन मुफ़्हूमन ये बात है कि अब वो बाप को मुकदमे के तौर पे पेश किया जा रहा है और वो बात सोचता आ रहा है ज़हन में कि इसकी मैंने बचपन में परवरिश की थी, इसको बड़ा किया, पाला पोसा, आज रसूलुल्लाह की बारगाह में मुझे शर्मिंदा करवाने के लिए लेके आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बाप से उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह ने कि क्या आप इसके हर पैसे को ले लेते हैं? जी हाँ मैं इसके हर पैसे को ले लेता हूँ, क्या मामला है? उसने कहा जब ये छोटा था, जब ये चल नहीं था सकता, जब ये बोल नहीं था सकता, मैं इसके मुंह में खाना डालता था, आज ताकतवर तंदुरुस्त और तवाना हो गया, मुझे अपने माल से रोकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा के लिए एक शरी कुलिया बयान किया, तू और तेरा सारा माल, तू और तेरा सारा माल, तीन मरतबा कहा कि तेरे बाप का है, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलिया बयान किया। हत्ता कि एक साहबी रसूलुल्लाह के पास आके कहने लगे अल्लाह के रसूल जिहाद करना चाहता हूँ। कहा तेरी माँ जिंदा है? आप बात बताइए, हम पीरों फकीरों और दरबारों के पीछे भागते हैं, कहा क्या माँ के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा तेरी माँ जिंदा है? जी हाँ जिंदा है। फिर उसकी खिदमत कर, उसी के पाओं के नीचे तेरी जन्नत है। जो हदीस आपने इंट्रो में पढ़ी है ना इसका एक तुरक और भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे, मिंबर पे आमीन कहा, तीन मरतबा आमीन का, सुनने वालों ने देखा कि कोई नजर तो नहीं आया रसूलुल्लाह आमीन किस बात के ऊपर कह रहे हैं, तो साहबा ने पूछ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्रील अमीन आसमान से आए थे, उन्होंने तीन दुआएं की। यहाँ पे जरा गौर ये करना है कि आसमान से जिब्रील अमीन आए हैं, वो फरिश्ता इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन, के अल्लाह का हमसाया ही है, कुरान पाक में कह दिया। वो आके दुआ कर रहा है और उसको दुआ करने का हुक्म भी तो अल्लाह ने दिया होगा, अपनी मर्जी से फरिश्ते बोलते नहीं, और आमीन कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो तीन दुआएं रसूलुल्लाह ने बतला दी। एक दुआ ये थी कि जिसने रमजान का महीना पाया अपने आप को जहन्नुम से आजाद ना करवाया वो नाकाम हो गया, नामुराद हो गया, हाक आलूद होगी उसकी नाक। दूसरी दुआ ये थी कि जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वह बुगज और जेलसी की वजह से दुरूद ना भेजे, नाकाम और नामुराद हो गया। और तीसरी बात कि जिसके माँ बाप उसकी जिंदगी में मौजूद हों उन दोनों को पाए या उनमें से किसी एक को पाए और अपने आप को जहन्नुम से आजाद ना करवाए। गोया जहन्नुम से आजादी का परवाना वालिदैन की खिदमत है।
फिर ये फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मिंबर पे खड़ा होता, मुझे आवाज देती मोहम्मद और मैं नमाज तोड़ के वापस, मैं मिंबर पे नहीं, मैं नमाज में होता और मुझे आवाज देती मैं नमाज तोड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आंसुओं के वाकयात हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फौत हुई है, 6 साल की उम्र थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग बाग के अपनी माँ से लिपट रहे थे, वो दाया आपको पीछे करती थी, तो रसूलुल्लाह कहते कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो मेरी माँ को। रसूलुल्लाह उनसे जुदा नहीं होते थे, रसूलुल्लाह 6 साल की उम्र में भी उनके लिए रोते रहे। और ये जो आपने बात की है ना कि नमाज के अंदर आवाज दी जाए, ये जुरैज का सही हदीस में वाकया मौजूद है। जुरैज एक बहुत बड़े वली, काश मेरी माँ आवाज देती मोहम्मद मैं नमाज तोड़ देता, तो जुरैज नफल नमाज पढ़े थे, उनकी वालदा ने उनको आवाज दी, रसूलुल्लाह ने बयान भी किया हदीस, और उन्होंने कहा अब मैं नमाज तोड़ूं या वालदा की बात सुनूं। उन्होंने नमाज को जारी रखा तो वालदा के मुंह से एक जुमला निकल गया कि तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी बुरी औरत के मुंह ना लगे। अब वो जुरैज जो वलीउल्लाह है उसने माँ की आवाज दौरान नमाज नहीं सुनी, हम ये कहते हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, हम कामों में मसरूफ है, नहीं सुनी। हुआ ये कि जुरैज के साथ ये मामला हुआ कि एक औरत ने उनको बहलाने की कोशिश की, वो ना बहले, वलीउल्लाह थे, उस औरत ने किसी के साथ बुराई की और आके इल्जाम लगा दिया कि ये बच्चा जुरैज का बच्चा है, ये मैं लेके आई, लोगों ने उनके ऊपर दावा बोल दिया। जुरैज ने नफल पढ़े, उनके जहन में ये बात आ गई, सही हदीस के अल्फाज हैं कि ये वो है बद्दुआ जो हल्की सी मेरी माँ के मुँह से निकल गई, तौबा भी की और बच्चे की तरफ इशारा करके कहा बता क्या तू मेरा बेटा। हदीस में आता है वो बच्चे जिन्होंने दुनिया में कलाम किया उनमें से एक ये भी था कि जिसने कहा कि मैं जुरैज का नहीं फलां फलां शख्स का बेटा हूं, तो लोगों ने फिर उनकी मस्जिद के बारे में कहा कि इनको तो सोने की बना दिया जाए। गोया माँ अगर हालत नमाज में भी आवाज दे तो उसकी आवाज पे पुकार पे लब्बैक कहना है, और हम इतने बदनसीब हैं कि अपनी माँ को ओल्ड होम में छोड़ उनको कहते हैं बूढ़ी होगी या इसको क्या पता दुनिया का, ये तो जबू हाली है, और यही असल में तो मुआशरे का जो अलमिया वो ये है। निशांत साहब, वालदैन की नाराजगी इस पे भी थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दे ताकि जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं इस वक्त, कितना बड़ा गुनाह है। सही हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उन लोगों की तरफ नजर रहमत नहीं करेगा, उन्हें माफ नहीं करेगा, उनसे खिताब नहीं करेगा। उनमें से एक बंदा वो होगा जो वालदैन का नाफरमान होगा। और दूसरी तरफ हदीस पता क्या है, जो वालदैन फोत हो गया ना जिन लोगों के, सही हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर जब वालदैन चले जाते हैं ना तो अल्लाह ताला उनका दर्जा बुलंद करता है जन्नत में, अल्लाह ताला उनका जन्नत में दर्जा बुलंद करता है, तो वो पूछते हैं अल्लाह ये तो हमारे अमल तो मुनकते हो गए थे, ये हमारा दर्जा कैसे बुलंद हुआ, तो उनको इतला दी जाती है तेरे फलां बेटे ने, तेरी फलां बेटी ने तेरे लिए दुआ की है, तेरे लिए दुआ किया तो तेरा दर्जा बुलंद हो गया। आज मुझे और आपको ये चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि कब्र में हमारे वालदैन को ये इतला पहुंच जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ के लिए हाथों को उठाएं तो उन तक ये इतला भी पहुंच जाएगी। और दूसरी बात, ये जो कुरान पाक में अदब बयान किया ना, फला तकुल्लहुमा उफ, तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि उफ सबसे तकलीफ में छोटा लफ्ज है अरबी में। अगर इससे भी अगर कोई छोटा होता तो अल्लाह ताला वो इस्तेमाल करता। और ये जो झुकने का तज़किरा है ना, इमाम इब्ने सीरीन बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो जब बाजार में चलते थे लोग उनके हुसन को, जमाल को, रोब को देख के कहते थे अल्लाहु अकबर, जब अपनी वालदा के सामने खड़े होते थे तो कप कप आ रहे होते थे। और आइम्मा का ये तर्ज अमल था कि वालदा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं थे खाते। उनसे पूछा गया आप अपनी वालदा के साथ खाना क्यों नहीं खाते, कहा इसलिए कि खाने के किसी हिस्से की तरफ मेरी माँ की नजर हो गई और मैंने उसको उठा लिया तो मैं अल्लाह के यहाँ गुनाहगार ना हो जाऊं। तो नाफरमानी का तो कितना बड़ा वईद हो सकती है अगर इस तरह इम्मा ने अपनी वालदैन का। और ये जो बात है ना, शाह साहब कह रहे कि मुशरिक वालद मुशरिका वालदा, अल्लाह ने यह भी कह दिया कि सिर्फ उनकी बुराई के मामले में इताअत नहीं करनी लेकिन दुनिया के मामलात में उनकी इताअत करनी है। ये दुनिया के अंदर एक कुलिया है कि अल्लाह रसूल के बाद नसुल्ला भाई दुनिया के अंदर हर बंदा मुस्लिम के लिए ये फर्ज है कि माँ बाप की इताअत करे। और एक हदीस में जरूर बयान करना चाहता हूँ, इसमें ज़ौफ़ मौजूद है हजरत अलकमा की हदीस में। अब ये नाफरमानी के हवाले से पूछा ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो आखिरी वक्त है, नदा का आलम है, सहाबा कह रहे हैं कलमा पढ़ो, कलमा नहीं अदा हो रहा, कलमा नहीं अदा हो रहा, सहाबी रसूल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतला पहुंची तो रसूलुल्लाह ने कहा इसकी वालदा को बुलाओ। वालदा को बुलाया, कहा बेटे से नाराज तो नहीं हो, कहा बेटे ने बड़ी अच्छी हिम्मत की है लेकिन एक बात दिल में मौजूद है, सिर्फ दिल में, कि मेरे आगे तेज तेज बोलता था, सिर्फ गाली नहीं था देता, बुरा बलंद कहता। हमारे स्कूलों में तो ये तरबियत दी जाती है, वालद और वाल आपको क्या पता, हमें पता है, ये तेज तेज बोलता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा लकड़ियां इकट्ठी करो, इसको आग लगा दो। वालदा ने कहा रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो मेरे बेटे को,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर यहाँ माफ कर नहीं करेंगी तो आगे तो आग में ही जलेगा। इतनी बड़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एक वालदा ने माफ किया उसी वक्त कलमा पढ़ा और नदा के आलम में। शाम साहब शहबाज़ कमर फरीदी साहब से हमने कलाम भी सुनना है और आज की